-8 से लेकर -5 डिग्री है। मैं इस वक्त हूँ सिसू लाहौल में और यहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पर उस बीच में हो रहा है स्नो मैराथन जिसकी पूरी तैयारी पक्की है और आप देख सकते हैं किस तरह से उत्साह है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजर्स के साथ साथ पार्टिसिपेंट्स भी है और हमारे साथ है वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अवतार सिंह, सीधा उन्हीं से बात कर सकते हैं। 300 ये मैराथन अब तक भाग चुके हैं लगातार कन्याकुमारी से कश्मीर तक। आप बताइए कि स्नो मैराथन का क्या खास बात है, बताइए। इसमें खास बात है एक तो जो टीम है ऑर्गेनाइजिंग वो बहुत बढ़िया है और जो हिमाचल का पर्यटन है उसको बहुत ज्यादा इससे सहायता मिलेगी और ये एडवेंचर के लिए बहुत बढ़िया है और इसमें एक चैलेंज भी है। चैलेंज बहुत बड़ा, सो एक्साइटेड भी है। अगर आप बात करें यहाँ से भारतीय सेना से आए हैं, नेवी से आए हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं? जम्मू से आए तो कहाँ आप सेना में हैं या कैसे? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में है तो आप लोगों की तो तैयारी पक्की होती है, पर कितना डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए? ठंड बहुत है, हाइट है, बर्फ भी है, आगे हाइट है, फिर बर्फ है, मतलब सड़क पे हो या फिर कहीं हो तो दौड़ सकते हैं, तो डिफिकल्टी है। डिफिकल्ट है मैन ऑफ स्टील, पर आप लोग तो जम्मू के पास ही कश्मीर पड़ता है तो आसान नहीं है। नहीं नहीं, मैं कश्मीरगढ़ में, मैं प्रॉपर जम्मू का हूँ। जम्मू का सिटी के हैं, जी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे तैयार की जाए और हम कोशिश करेंगे कि लोकल वो भी चाह रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा आए और दोबारा हम एक बार बात करने की कोशिश करते हैं लोकल से। आपको लगता है कि टूर जो आएगी महिलाओं का पार्टिसिपेशन तो बढ़ना चाहिए कि नहीं? आनी चाहिए। हाँ तो कितना टूरिज्म आएगा इससे? काफी लोगों को पता चल रहा है स्नो मैराथन के बारे में, इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी, पार्टिसिपेट। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे एक लिखा हुआ है वर्ल्ड हाईएस्ट स्नो मैराथन और अब ये तैयारी है वो शुरू हो गई है, हाफ मैराथन। जाहिर सी बात है अलग अलग कैटेगरी है और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे अलग अलग लोग आए हुए हैं। और कुछ महिलाओं से बात करते हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं? बेसिकली मैं इंडियन नेवल एकेडमी एडियम वाला केरला पोस्टेड हूँ। महिला कमांडो है तो खास तौर पे बात करें कितनी कठिन चुनौती है? वैसे मैं ऑलरेडी बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनिंग कोर्स और सिक्किम के कुछ पीक्स मैंने क्लाइम किया, बट वो जिस पैक के साथ वॉक किया हमने, बट रनिंग ऑन स्नो विल बी, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई थॉट इट विल बी वेरी, इट विल बी वेरी एडवेंचरस, सो आई एम एक्साइटेड। फॉर अ वुमन स्पेशली यू नो कितना मुश्किल है? इट्स हेयर, इट्स ऑल इन द माइंड, इट्स ऑल इन द माइंड, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर महिलाएं हैं खासतौर पर, काफी हद तक जैसे हमने कहा भारतीय सेना है और काफी हद तक नजर आ रही है और यहाँ पर अब फ्लैग ऑफ हो रहा है और खासतौर पे यहाँ पे आप देखिए फ्लैग ऑफ करते हुए और ये मैराथन जो है लगातार तो कैमरा गिरीश के साथ कमल लाहौल आज तक।